जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पर चर्चा करेंगे। न चेतत विद्माहं कतरण्यो ब्रियो यद्वा जेमि यदि वा नो जेषु यानेव हत्वा न जिजीविषा स्थे अवस्थि का प्रमुखे धृतराष्ट्र। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी मानसिक दुविधा को प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है, जीतना या उनसे हारना, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें हम मारकर जीना नहीं चाहेंगे वे अब हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्या 205 स्वभाव पृष्छामि तवाम धर्मासमुपचेता यह श्रेम सया निश्चित बरुण तमें शिष्यस्ते अहम साधि मातवो परियन्ना। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो गई है और वे अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गए हैं, इस कारण से वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आप निश्चित रूप से मुझे यह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन दीजिए। नहीं प्रपश्यामि मम पदु दया यच्छे कमोल शोषण मंद्रियाण अपावे भूमस्पतनम दें राजम सुरानवी चाधिपति। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों गुरुजनों मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में खड़े हैं और इसी कारण से वे अत्यधिक दुखी हैं। अर्जुन कहते हैं उनका दुख इतना गहरा है कि वे ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहे जो इसे दूर कर सके। यदि उन्हें पृथ्वी पर सबसे समर्थ राज्य भी मिल जाए या स्वर्ग का अधिकार भी मिल जाए तो भी उनका यह दुख दूर नहीं होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा हर्षि केशं गुडाकेशं प्रतिनिधिं नयोत्सेदि गोविंद मुक्त्वा तुषिणं बहुगुणः। इस श्लोक में संजय जो अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है जिसका अर्थ यह होता है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वाद। तमुवाच हर्षिकेश परसीनवा भारत सैन्योरु बयोर्मुदे विषिदंतमिद्वच। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अत्यधिक दुखी और विषाद में डूबे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण जो हर्षिकेश के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने अर्जुन को हंसते हुए संबोधित किया। यहाँ इस मुस्कान का अर्थ है कि